नमस्कार। विभाग विनोद में मैं संरोध आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए आज चर्चा करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के पूर्व विपक्षी दलों की एकता एकजुटता को लेकर हो रहे प्रयासों पर। जी यह मानना पड़ेगा कि एक सकारात्मक कदम के रूप में प्रमुख विपक्षी दलों ने पिछले दिन दिल्ली में लगभग यह निर्णय ले लिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपीए के संयोजक होंगे और उनके ऊपर यह जिम्मेदारी होगी अन्य सभी विपक्षी दलों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट कर 2024 के जंग में मैदान में उतरना। इस कदम की सराहना करनी पड़ेगी क्योंकि सारी आलोचनाओं के बावजूद मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि पिछले दिनों जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ लालू के राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ बिहार में सरकार बनाई मुख्यमंत्री बने तो उन पर पलटू राम का आरोप लगा। उन्हें इस बात के लिए बल्कि अपमानित किया गया कि उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया है। लेकिन इस बिंदु पर सभी एकमत है, विरोधी भी, कि नीतीश कुमार की छवि आम जनता के बीच एक ईमानदार कुशल प्रशासक की बनी है, उन पर कोई आरोप कभी नहीं लगे। और जानकार इस बात की भी पुष्टि करेंगे कि जयप्रकाश आंदोलन के बाद से ही नीतीश कुमार ने जिस प्रकार आगे बढ़कर लोकतंत्र के हित में आम जन के हित में स्वयं के अनेक इच्छाओं को दबित कर राजनीति की है उसका स्वागत सभी करते हैं, सभी प्रशंसा करते हैं। और शायद यही कारण है कि चाहे कोई भी दल हो आवश्यकता पड़ने पर नीतीश कुमार नेता के रूप में उनके लिए स्वीकार्य होते रहे। अब इसे आप दल बदलु कर लीजिए, पलटू राम जो कर लीजिए, लेकिन सच्चाई यह है कि यह नीतीश कुमार की अपनी बेदाग छवि है, कुशल नेतृत्व है, ईमानदारी है जो उन्हें हमेशा सबों की पसंद के रूप में सामने खड़ा कर देता है। अब इस बार जब एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष एकजुट होकर मैदान में उतरना चाहता है तो जैसे कि चर्चा होती है कि चेहरा कौन होगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, तो यूपीए के संयोजक के रूप में नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बनी। पिछले दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर भोजन के दौरान चर्चा हुई जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे, नीतीश कुमार भी थे। उन सभी ने मिलकर के यह किया और यह जिम्मेदारी नीतीश कुमार को सौंपी है कि वे अन्य विपक्षी दलों के साथ बातचीत कर उन्हें एकजुट करें। जो संकेत मिल रहे हैं कि विपक्षी दलों में लगभग एकता बन गई है और सभी इसके पक्ष में हैं कि एक मजबूत एकजुट विपक्ष भाजपा के सामने खड़ा किया जाए। हालांकि ममता बनर्जी साफ आ गई हैं, एनसीपी शरद पवार तो है ही हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण घटक केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ खबर सामने नहीं आई है। पिछले दिन जब इस संबंध में पूछा गया तो पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल हमारे कुछ नेता जेल में हैं और हम सरकार के इन कदमों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा ध्यान सिर्फ इधर है। यह एक प्रकार से इस विपक्षी एकजुटता के प्रयास से स्वयं को दूरी बनाए रखने की कवायद मानी जा रही है। यह दुखद है क्योंकि आरंभ में जिस प्रकार कुछ बयान शरद पवार का आए थे तो यह कहा गया कि शायद शरद पवार
विपक्षी एकता के बारे में बातें करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तत्काल कुछ घंटों के अंदर में सफाई देकर के स्थिति स्पष्ट कर दी और अभी भी कहा है कि हमारे कुछ घटक दलों के बीच, नेताओं के बीच आपसी मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जहां तक विपक्षी एकजुटता का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबले का सवाल है, हम वहां एक है, एकजुट है। उन्होंने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में स्थिति को साफ कर दिया और इसका स्वागत विपक्षी दलों ने किया है। अब अगर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दूरी बनाए रखती है तो क्षमा करेंगे इन शब्दों के लिए कि जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल की छवि भी भारतीय राजनीति में एक ईमानदार, कुशल, कर्मठ प्रशासक के रूप में उभरी है, राजनेता के रूप में उभरी है, उस पर सवालिया निशान लग जाएगा। बात व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की होती रही है। विपक्षी दलों की एकता के मार्ग में सबसे बड़ी अड़चन यही थी कि विभिन्न दलों के नेताओं की अपनी अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं। स्वाभाविक है, राजनीति में ऐसा होता रहता है, लेकिन जब ऐसी विषम घड़ी आती है जो वर्तमान में विपक्ष के लिए मौजूद है, क्योंकि मैं यहां एक बात दोहराना चाहूंगा, पहले इशारा कर चुका हूं कि स्वयं भारतीय जनता पार्टी के अनेक बड़े नेता, दोहरा दो, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के अनेक बड़े नेता भी लोकतंत्र के हित में, देश के हित में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद की स्थिति की, बल्कि दुरुस्थिति की कल्पना से विचलित है। जी हाँ, सार्वजनिक रूप से वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन निजी बातचीत में इस बात को स्वीकार करते हैं। जिस लोकतंत्र के ऊपर प्रहार के आरोप वर्तमान मोदी सरकार के ऊपर लग रहे हैं, बल्कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो सीधे सीधे मोदी पर लगते हैं, इसके पक्ष में कुछ बातें जरूर कही जाए। कुछ नेता सामने आकर बचाव करते हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि अनेक वरिष्ठ नेता, यह अनेक वरिष्ठ नेता सशंकित है नीति और नियत को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी के संदर्भ में यह बात कही जा रही है, वे भी इस बात पर विचलित है कि हां, अगर तीसरी बार वर्तमान सत्ता पुनः सत्ता पर काबिज होती है तो जो आरोप लोकतंत्र के खात्मे को लेकर लगाए जा रहे हैं, शायद उन आरोपों को गति मिले। यह स्थिति भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी एकता के प्रयास हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि इन प्रयासों को सफलता मिलेगी, तब यह निश्चित करना आवश्यक है कि बगैर किसी निजी महत्वाकांक्षाओं के आगे आड़े आते सभी राजनेता विपक्षी दलों के आपसी मतभेद को भुला करके जी जान से 2024 के जंग के मैदान में उतरे। और यह कोई ऐसा काम नहीं होगा, ऐसी चुनौती नहीं होगी जो असंभव है। ध्यान रहे, 2019 के चुनाव में 38% वोट प्राप्त कर विपक्ष को 160 सीटें मिली थी, जबकि मात्र 39% मत प्राप्त कर भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों पर विजय हुई थी। ये आंकड़े हैं, बहुत फर्क नहीं है। 1% से सीटों का जो बंटवारा हुआ और फर्क हुआ, उसका कारण क्या था? विपक्ष बटा हुआ था, उसके वोट बट गए, बिखर गए, 160 सीटों पर सिमट गई और सिर्फ 1% अधिक मत लेकर
303 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई। इस प्रमाण की मौजूदगी में अगर विपक्षी एकजुट होकर चुनौती देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति दूर हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। भारतीय जनता पार्टी भी स्वयं इस स्थिति से अच्छी तरह अवगत है और यही कारण है कि उसने भी अपनी रणनीति में परिवर्तन करते हुए तालुका स्तर पर पूरे देश में चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। और शायद जो जंग होगा 2024 का, अगर विपक्ष यहां अगर लगा हुआ है, एकजुट हो जाता है, तो उन्हें कड़ी चुनौती मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती मिलेगी। फर्क 1% होगा है, इस बात को नहीं भूला जाना चाहिए। इस बीच में जैसे चेहरे की बात हो रही थी, अगर यूपीए संयोजक के रूप में नीतीश कुमार को सामने लाया गया है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वे अन्य विपक्षी दलों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होने में के प्रयास में सफल होंगे। और यह आवश्यक है, बार बार दोहरा रहा हूं, यहां मुद्दा नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, यहां मुद्दा है देश में स्थापित लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाए रखने की। यहां मुद्दा है जन जन की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने का, उनकी समस्याओं के समाधान का, कि न केवल कुछ राजनेताओं के निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की जाए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारा लोकतंत्र एक मजबूत लोकतंत्र है और इतिहास के पन्नों में यह दर्ज है कि अंततः फैसला जनता करती है, जनता तय करती है, अपना जो मानस बना लेती है विभिन्न राजदलों के क्रियाकलापों को देखते हुए, उनके नीतियों को देखते हुए, उनकी घोषित योजनाओं को देखते हुए वो मानस बनाती है और अपना फैसला सुनाती है और उसके फैसले चौंकाने वाले होते हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि देश की जनता मूर्ख है, देश की जनता बहुत ही समझदार है, हमारा मतदाता बहुत ही समझदार है, वो चीजों को अच्छी तरह समझता है, परखता है, उसके बाद निर्णय लेता है। और आज समय की जो मांग है, जिस लोकतंत्र की बार बार चर्चा होती है, पिछले 9 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ है, देश में भी अनेक स्थानों पर उनकी सरकारें हैं, अनेक राज्यों, पिछले मनमोहन सिंह की सरकार ने 10 वर्ष लगातार शासन किया था और नरेंद्र मोदी की सरकार 10 वर्ष पूरे करने जा रही है इस चुनाव के पूर्व। तो परिवर्तन जिस शब्द को उछाला था स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव में कि देश परिवर्तन चाहता है, वह स्थिति आज कायम हुई है। पुनः देश वास्तव में परिवर्तन चाहता है, यह किसी पार्टी राजदल के विरोध में नहीं, किसी राजदल किसी राजनेता के समर्थन विरोध में नहीं, लोकतंत्र के हित में परिवर्तन समय की मांग है। किसी भी राजनेता को इतना अधिकार नहीं मिलना चाहिए, किसी भी राजदल को इतना समय नहीं मिलना चाहिए कि वह लोकतंत्र के मार्ग पर चलते हुए किसी अन्य मार्ग की ओर अपनी दिशा मोड़ ले, जैसा कि आरोप वर्तमान मोदी सरकार पर और भारतीय जनता पर लगता है। इस बात को ध्यान में रखें, प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी के अकेले चेहरे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। उन्होंने घोषणा भी कर चुकी है कि पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी, उनके चेहरे के साथ चुनाव लड़ेगी और पिछले शासनकाल के दौरान जो मोदी सरकार को उपलब्धियां हैं उनके आधार पर चुनाव लड़ेगी, जबकि इसके विपरीत विपक्षी दल वर्तमान सरकार को लोकतंत्र विरोधी तानाशाही समर्थक बताते हुए अनेक प्रमाणों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं कि अगर इन्हें पुनः सत्ता दी गई तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। यह बार बार सवाल उठ रहा है, अब फैसला जनता को करना है।
ऐसे में नीतीश कुमार का यूपी का संयोग जब बनाया जाना पूरा दरादा हो कि एक अच्छा कदम माना जाएगा, निश्चय ही वही अपने प्रयास में सफल होंगे। एक आम आदमी पार्टी की बात आ रही है तो मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल विपक्ष में बहुमत की इच्छा के विरुद्ध अंततः नहीं जाएंगे, वे भी साथ में आएंगे। ठीक है, हालिया उनकी जो सफलता मिली और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हो रहा है, आधिकारिक रूप से उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं काफी बढ़ चुकी है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि आम आदमी पार्टी की नजर कांग्रेस द्वारा खाली किए जा रहे या स्वतः खाली होते जा रहे क्षेत्रों पर है। वह उस स्थान को अपनी मौजूदगी से भरना चाहती है, यह आम आदमी पार्टी की इच्छा है। राजनीति में हर दल अपने विस्तार के लिए ऐसे मौके ढूंढता है और कोई आश्चर्य नहीं कि इसमें आम आदमी पार्टी अर्थात अरविंद केजरीवाल सफल भी हो जाए, क्योंकि सफलता उनके सामने है। आज उन्हें राष्ट्रीय दल का जो दर्जा प्राप्त हुआ इसका कारण यही है कि वे दिल्ली की सीमा से बाहर निकलते हुए पंजाब में जीत हासिल की, सरकार बनाई और अब राष्ट्रीय स्तर पर अनेक राज्यों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में उनकी महत्वाकांक्षाओं पर कोई सवाल नहीं हो सकता, यह स्वाभाविक है। लेकिन अभी जो समय की जरूरत है, जो समय की मांग है, उसकी उपेक्षा भी अरविंद केजरीवाल शायद नहीं करे, नहीं करना चाहिए। उन्हें भी विपक्ष के साथ एकजुट एक मंच पर आकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देनी चाहिए, लोकहित में, लोकतंत्र के हित में यह आवश्यक है। नीतीश कुमार का, जैसे मैंने कहा, उनका जो पार्श्व रहा है, उनकी जो स्वीकार्यता है राष्ट्रीय स्तर पर, उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया सकता। उन्होंने दिल्ली पहुंचकर जो पहल की है, विभिन्न नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, आगे भी मिलने की योजना है और उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। ऐसे में हम आशा कर सकते हैं कि हमारा मजबूत लोकतंत्र, हमारा अटूट लोकतंत्र एक बार फिर सफल होगा और देश में ऐसे किसी भी आकांक्षा को सफल नहीं होने देगी जो लोकतंत्र विरोधी हो, देश विरोधी हो। इस दिशा में विपक्षी दलों के बीच एकता आवश्यक है, इस बात को ध्यान। और अंत में चलते एक जो मन में सवाल खड़ा हुआ है उसे आपके साथ शेयर करना चाहिए, वह यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जब संबोधन करते हैं विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न आयोजनों में, तो वे यह भूल जाते हैं कि वे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वे देश के प्रधानमंत्री, उस देश में जहां विपक्ष भी मौजूद है, पूरे देश, पूरे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब वे विभिन्न मंचों से आम जनता को या विशिष्ट उपस्थिति को संबोधित करते हैं। धन्यवाद।